नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। मेराल प्रखंड क्षेत्र के गोंदा गांव में लक्ष्मी पूजा युवा समिति के तत्वाधान में 5 दिवसीय रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम नाटक मंचन का उद्घाटन मुख्य अतिथि गढ़वा जिला परिषद उपाध्यक्ष रेखा चौबे, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अनिल शाह, विशिष्ट अतिथि प्रखंड प्रमुख विकास सिंह कुशवाहा, झारखंड के पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह, जिला पार्षद प्रतिनिधि अतहर अली, मुखिया प्रकाश कुमार, अरुण बीडीसी दिनेश ठाकुर, पूजा समिति अध्यक्ष सुजीत सिंघानिया ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इस कार्यक्रम की विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रेखा चौबे ने कहा कि लक्ष्मी पूजा दीपों का पर्व है एवं यह पर्व स्वच्छता का प्रतीक है। लोगों को अपने अपने मन के अंदर बसे हुए गंदी सोच को बाहर निकालकर समाज और देश हित में काम करने की जरूरत है। दीपावली पर बाहर निकलता है तो देखता है कि सभी के बच्चे आपस में खेल रहे हैं, दीप जला रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, तो बेटा को बार बार अपने पिता की याद आती है। फिर वो जाकर अपनी माँ से पूछता है, किसी के पापा उसके नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयां और साथ पटाखे भी लाए हैं। पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, पूछ रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। बेटा हो गया निराश जब आई आंगन में उसके पिता की लाश। आप समझ सकते हैं उस समय की व्यथा को जब बेटा अपने बाप का इंतजार कर रहा था, उस वक्त उसके पिता की लाश आंगन में आती है। बेटा थोड़ी देर अपने पिता को देखता, फिर माँ को देखता, पुनः फिर पिता को देखता, माँ को देखता, देखते देखते फिर माँ से बोला, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़ कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा,
जो हम सबों ने आपको बताया, क्योंकि यह एक सच्चाई है, मैंने देखा था, उसी पर मैं लिखती भी हूं, तो मैं दो शब्द लिखकर आप सबों को सुनाया। तो मेरा मानना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि जब भी आप दीप जलाएं, तो उस पिता के लिए जो शहीद हो गए हैं उनके नाम पर एक दिया अवश्य जलाइए। और आप सबों को पुनः मैं एक बार फिर से दीपावली और छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अनिल शाह ने कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी लंका में असत्य पर सत्य की जीत जीत कर अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में पूरी अयोध्या दीपक से जगमगा उठा था। साथ ही उन्होंने कहा कि एक दिया अपने शहीदों के नाम से भी जलाना चाहिए, जिन्होंने देश के कारगिल सुरक्षा में अपनी जान गवा दिए। लक्ष्मी पूजा के शुभ अवसर पर उपस्थित ग्राम गंगा में आज बहुत ही स्वभाव की बात है कि हमारे मंच पर उपस्थित गढ़वा जिला के जिला परिषद उपाध्यक्ष माननीय बहन रेखा चौबे जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे बीच ग्राम प्रखंड के प्रमुख साहब माननीय विकास कुशवाहा जी, जिला परिषद उत्तरी के प्रतिनिधि हमारे भाई अचर अंसारी जी, हमारे डीडी डीडी सिंह, हमारे बड़े भाई नंदा भाई, बड़े भाई दिलीप ठाकुर जी, विजयमल भैया जी, आज इस मंच के बड़े ही अच्छा से सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं विकास जी, सुजीत जी, हमारे साथ बड़े भाई आए लो जी, और इस मंच पर बड़ा ही प्यारा हमारे भाई मुखिया जी जो आपके मंच पर उपस्थित हैं, प्रभात जी, आराध्य जो जिस तरह से हम लोग खुशी से इस दीपावली के शुभ अवसर पर सभी नौजवान साथी माताएं बहने नन्हे नन्हे बच्चे इस गोंदा गांव के सभी ग्रामीण जनता दूर दराज से आए सभी साथी कलाकार साथी यानी सभी मीडिया के सभी साथी सबको हम अपनी ओर से दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देते हैं। आज हम भी क्षमा चाहेंगे कि आप लोग कार्यक्रम में थोड़ा लेट से पहुंचे, इसलिए कि गढ़वा का जो कंडीशन अभी है, जैसे ही गढ़वा से ये सब चलते हैं तो ट्रक चारों तरफ इधर घुरा के तो उधर घुरा के चारों तरफ रख दिया था, आने में काफी विलम्ब हुआ, तो मुश्किल से निकलना पड़ा, इसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग जो दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, इसके बाद जो सामने छठ भी आ रहा है, ये हम लोग हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। दीपावली जो है आज हम लोग मनाते हैं दो खुशी में, एक तो लक्ष्मी पूजा की खुशी में, दूसरा खुशी है कि आज ही के दिन भगवान रामचंद्र जी हम लोग को जीत करके विजयी होकर के आए हुए थे, उसके उपलक्ष में भी पूरे भारत देश में, पूरे देश विदेश में भी दीपावली मनाया जाता है। दीपावली के शुभ अवसर पर हम लोग घर घर के भी अच्छा से सफाई कर रहे हैं, किसी बहाने अगर हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ भारत का सपना भी है सरकार का, इसके अनुसार से हम लोग स्वस्थ भारत का सपना भी दिखाने में कामयाब हो जाते हैं। इसी के शुभ अवसर पर पूरे घर द्वारा बाहर आंगन सब जगह सर सफाई, खेत खरिहान सबका सफाई करते हैं, और इसको लेकर के काफी उत्साहित रूप से हम लोग करते हैं। और इस तरह से हम लोग को एक तरह से साहस भी रखना चाहिए कि जैसे आप लोग हम लोग सोचते हैं कि भगवान हम लोग को बीच नहीं दिखते नहीं है, ऐसा नहीं है, अगर भगवान को देख रहे होंगे, हम भी देखे हैं, आप देखे होंगे, ब्रह्मा को देखे होंगे, विष्णु को देखे होंगे, आप लोग भी देखे हैं कि नहीं कभी, हम भी देखे हैं, लक्ष्मी को भी देखे होंगे, सबको देखे होंगे, जरूर देखे होंगे, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं ना, हम तो देखे हैं, बहुत प्यार से देखे हैं, इसलिए देखे हैं, माता जो है लक्ष्मी है और पिता जो है ब्रह्मा है, विष्णु महेश जो भी कहे जाए है ना, दादा दादी जो है, जो जितना भी और भगवान है, सब कुछ है हम लोग के, ये सब कुछ देखता है, लेकिन सोचता है कि नहीं देखना पड़ेगा अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग घर में पहले जितने भी जवान हैं, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, सब लोग को चाहिए कि माता पिता की सेवा करें, घर आंगन की सेवा करें,
असली पूजा वही होता है, अतिथि को पूजा करें, अतिथि देव भव, लक्ष्मी पूजा का दीप वही है कि आज हम लक्ष्मी को अगर भाई बहन को धाम में अगर हम विचार रखे, अच्छा विचार रखे, अच्छा व्यवहार रखे, हम लोग किसी बहन को लक्ष्मी समझे, माँ को लक्ष्मी समझे, तो उससे बड़ा कोई पूजा नहीं हो सकता, पूजा का अर्थ यही होता। हम लोग इसी विचार को लेकर के आपस में एक संदेश देना चाहते हैं कि सचमुच में सब लोग सबको देखता है लेकिन पहचानता नहीं है, है कि नहीं? सच्चाई बात है कि हम लोग सबको देख रहे हैं, पूरी दुनिया के भगवान सब हम लोग के सामने है लेकिन हम लोग पहचानते नहीं है। वो पहचानने की शक्ति रखना होगा, अपने आप को तीन शब्द का याद जरूर रखना होगा कि अगर हमको बहुत बड़ा बनना है, बहुत ऊंचाई तक जाना होगा, तो तीन बातें और तीन फैक्ट्री शरीर के अंदर लगाना चाहिए। पहला फैक्ट्री यानी जबान में शुगर फैक्ट्री, ब्रेन में आइस फैक्ट्री, हार्ट में लव फैक्ट्री। अगर तीन फैक्ट्री हम लोग लगा लेते हैं तो दुनिया के कोई भी ताकत से हम लोग जुड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लड़ सकते हैं और उतनी ऊंचाई पर जा सकते हैं। इसलिए कि हम लोग को हमेशा यानी जबान में शुगर फैक्ट्री रखते हैं, अच्छा बात बोलते हैं तो आपकी बात सुनेंगे, पूरी दुनिया के लोग आपके सामने आएंगे और अच्छा बात को सुनेंगे। ब्रेन को आइस रखते हैं यानी बर्फीला रखते हैं, हमेशा अच्छा रखते हैं तो जरूर कुछ चमत्कार कर सकते हैं आप। लव फैक्ट्री, अगर अपने दिल के अंदर प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं तो दुनिया में कोई से काम नहीं हो सकता है, जरूर हो जाएगा। इसलिए साथियों पर्व त्योहार का मतलब हम लोग अच्छा से लेकर रखें और अच्छा से विचार बना कर रखें, तभी हम लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हम लक्ष्मी पूजा की ढेर सारी बधाई देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लोग कार्यक्रम में लेट हो रहा है, हमारी भाषण से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका कार्यक्रम भी है। इसी के साथ अपने पानी को विराम देते हैं। जय माँ लक्ष्मी। मौके पर पूजा के सचिव गुड्डू अग्रहरी, उपाध्यक्ष चंदन कुमार, कोषाध्यक्ष कुंदन गोस्वामी, उप सचिव मनदीप कुमार, उप कोषाध्यक्ष वीरेंद्र प्रजापति, संगठन मंत्री ब्रह्मदेव कुशवाहा, पूजा प्रभारी बिक्की कुमार, सुरक्षा प्रभारी दशरथ गोस्वामी, मुकेश प्रजापति, चंद्रदेव प्रजापति सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। धन्यवाद।